हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और पनीर देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो इसके लिए मैंने लिया है प्याज, टमाटर, धनिया, थोड़े से काजू लिए हैं, अदरक का एक टुकड़ा है और लहसुन लिया है। और ये सब सामान मैंने मोटा मोटा ही काटा है क्योंकि मुझे इसको बाद में पीसना है। तो थोड़ा सा ऑयल लिया है और अभी पहले मैं प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद मैं और सारे सामान डाल दूँगी जितना भी है मेरे पास। और थोड़ा थोड़ा सा जैसे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे ना, बस उतना ही इसको भूनना है। उसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। और धनिए की मैंने सिर्फ इसमें डंडियाँ ही डाली हैं क्योंकि धनिए से ज़्यादा इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, उसमें टेस्ट होता है और खुशबू बहुत अच्छी होती है। और बस ये मैं रख रही हूँ उसको ठंडा होने के लिए। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो जल्दी से ये अभी ठंडा भी नहीं होगा। और थोड़े दिन पहले मैं छोटे वाले प्याज लेके आई थी सिरके वाले बनाने के लिए, तो आज उसका नंबर आया है सिरके वाला प्याज बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल छोटा वाला प्याज होता है जो हम सिरके का बनाते हैं। ये प्याज बहुत टेस्टी होता है और इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। और अगर आपको जल्दी खाना है ये, तो इसके अंदर थोड़ा सा कट लगा दें ताकि सिरका इसके अंदर पहुंच जाए, तो ये आधे घंटे में ही खाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखो छोटा छोटा सा प्याज है। और सारे प्याज मैंने छील के धो लिए हैं अच्छी तरीके से। और एक छोटे सी जार के अंदर मैं पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद उसमें आधा ढक्कन के करीब ही सिरका डालूंगी। तो इतना सा सिरका बहुत रहता है इतनी प्याज के लिए। पहले मैं क्या करती थी, पूरा सिरके में ही प्याज को डालती थी तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा पानी लेती हूँ और थोड़ा सिरका डालती हूँ उसके अंदर। और जो ये लाल कलर आता है ना, इसके लिए मैं डालती हूँ चुकंदर। तो अभी इसको रख देती हूँ, दो घंटे तक ये थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। इतनी देर में अपना मसाला भी ठंडा हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो अब इसको भी पीस लेते हैं तो सब्जी रेडी करते हैं। तो इसको मैंने डाल लिया है मिक्सी के जार में और थोड़ा पानी डालूंगी और इसे पीस लूंगी। और फिर से मैंने एक कढ़ाई ली है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। जीरे के साथ मैंने ये सारा पेस्ट डाल दिया है और फटाफट से इसको चला लेंगे क्योंकि काजू डले हुए हैं तो कई बार मसाला जो है नीचे लगने लग जाता है। और अभी मैंने कोई मसाले ऐड नहीं करे हैं, नमक मिर्च वगैरह, वो अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और हाँ, शाही पनीर में इलायची डालना मत भूलना, वो भी छोटी वाली। तो धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च डाली है और हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, नमक डाला है और थोड़ी सी देगी मिर्ची डाली है क्योंकि देगी मिर्च से ना कलर बहुत अच्छा आता है शाही पनीर का। जैसे ये अभी ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है ना, उसके बाद ये थोड़ा सा लाल घी पे आ जाएगा। और आज मैंने थोड़ी सी इसके अंदर सॉस भी डाली है, यानी कि टोमेटो केचप, थोड़ा सा मिठास देने के लिए ना, वो उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी जितनी देर में ये मसाला पकेगा। और उसके बाद थोड़ा सा पानी को बैलेंस करूंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा और पकाना है इसे मुझे। और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। फिर से एक बार इसको थोड़ा सा भून लूंगी क्योंकि गरम मसाला भी पक जाएगा और अच्छी खुशबू देगा ये।
सब्जी ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है, बट एक काम ज़रूर करना है, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और कसूरी मेथी भी डालनी है थोड़ी सी भूनकर। भूनने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, पूरे घर महक जाता है कसूरी मेथी की खुशबू से। तो ये देखो कसूरी मेथी डालते ही रौनक कैसे बढ़ गई सब्जी की। और बस मिक्स करके रख दी है मैंने और बस अब ये बिल्कुल डन है सब्जी। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला था हरा धनिया। और आज रात को डिनर में मैंने बनाए थे एक तरफ घी वाले पराठे, मतलब देसी घी लगाया था एक तरफ और दबा के सेक दिया था। तो मतलब पूरे पराठे ना बना के मैंने बस वन साइड ही लगाया है घी और बहुत अच्छे बने थे ये पराठे भी। और साथ में था नींबू वाला प्याज, तो सबको बहुत पसंद आया और आप भी इंजॉय कीजिए। और इसी तरह से आप बनाओगे तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। तो राधे राधे, मिलूंगी आपसे फिर। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बारिशों को एंजॉय कीजिए।